रास्ते पार कर रहा था सलूम्बर से, तो वो लड़की बेचैन हो गई, सर यूज क्राउन। मैंने कहा तेरे को क्या तकलीफ है, तुझे कुछ कहा किसी ने? मैं जब राजस्थान में नौकरी करने आया, अपनी पत्नी से मिला, तब मैं विश्वास कुमार था, अब मैं कुमार विश्वास हूं। और उसके घर में ये स्वीकार करता हूं कि विश्वास कुमार को कुमार विश्वास बनाने में अगर सबसे ज्यादा योगदान है तो उसी राजस्थान की लड़की का है। लड़की जो तुमसे मिली तक नहीं, मुझको उसने संभाला, तुझको गाड़ी चलाना न आया, मगर मेरी गाड़ी न चल पाए थे। हरि मंदिर शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत चल रहे विविध कार्यक्रम के दौरान धर्म के समंदर में गोते लगा रहे हैं श्रद्धालु। डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य वागड़ के प्रयाग सोम माही जाखम स्थल पर बेणेश्वर धाम पर चल रहे कार्यक्रम श्री हरि मंदिर स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत लाखों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु धर्म के समंदर में गोते लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आज श्री हरि मंदिर स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव का अंतिम दिन है और आज पूर्णाहुति होगी। इस कार्यक्रम के दौरान विष्णु याग महायाग में प्रतिदिन यजमानों द्वारा यज्ञ में आहुतियां दी गई। पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद महाराज ने कहा कि संत मावजी महाराज के शुभ आशीर्वाद से विष्णु याग महायाग में जिन यजमानों को यह पुण्य लाभ प्राप्त हुआ है वे बड़े सौभाग्यशाली हैं और जो इसके साक्षी बने हैं वो भी अहोभाग्यशाली हैं। गुरुवार को अखिल भारतीय कल्ला जी संप्रदाय के संत महंत गात्रोड़ कल्याण मानव सेवा संस्थान के मनोज खटिक डूंगरपुर के तत्वाधान में बेणेश्वर धाम पहुंचे, जहां अच्युतानंद महाराज को चांदी की बांसुरी भेंट की गई। इस दौरान मुख्य धाम वीरपुरा महंत मोहन शर्मा, पदयात्रा गुरु महंत देवी सिंह चौहान बनकोड़ा ओडा, महंत संतोष सिंह झाम्बुआ मध्य प्रदेश, महंत जिग्नेश व्यास गारिया बांसवाड़ा, महंत विनोद बंजारा आसपुर खोती, महंत जय सिंह सोलंकी डूंगरपुर, महंत तेज सिंह बिछीवाड़ा आदि ने पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद महाराज बेणेश्वर से मुलाकात कर बांसुरी को सप्रेम भेंट किया। वहीं महंत अच्युतानंद महाराज ने सभी महंतों का शॉल उड़ाकर स्वागत अभिनंदन भी किया। वहीं संध्याकालीन कवि सम्मेलन में जाने माने ख्याति प्राप्त कवि कुमार विश्वास के पंडाल में पहुंचते ही पंडाल में मोदी मोदी के नारे लगे। भक्ति रस की कविताओं के बीच श्रोता ओतपोत होते हुए नजर आए। वहीं कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा कि ऐसा सौभाग्य वागड़वासियों को प्राप्त हुआ है जहां सरस्वती के पुत्र स्वयं बेणेश्वर की धरा पर आए हैं। आज हरि मंदिर की शिखर प्रतिष्ठा है। गुरुवार को इस संबंध में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इस अवसर पर डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा भी मौजूद रहे। वहीं रात्रिकालीन कवि सम्मेलन के दौरान डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। इस कार्यक्रम में बांसवाड़ा के सभापति भी शरीक हुए। वहीं आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा, सागवाड़ा पंचायत समिति प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा सहित कई जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि संध्याकालीन कवि सम्मेलन के दौरान यादगार बने पलों को हमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है, जिसे आज शाम 6 बजे आपके समक्ष सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल पर दिखाया जाएगा, देखना नहीं भूलें। इससे पहले देखिए कार्यक्रम की कुछ महत्वपूर्ण झलकियां और क्या कहा कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया और अन्य आए हुए कवियों ने। देखिए पूरी खबर। Yeah.
हम आपके 2008 ये कहीं से भी पता नहीं लग रहा है कि इसकी व्यवस्था कैसे हो रही है, क्या हो रही है, लेकिन लाखों लोग भोजन भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं और पूर्ण रूप से आनंद उठा रहे हैं। आज अंतिम संध्या है कार्यक्रम की, तो के ऊपर डॉक्टर विश्वास कवि हैं, वो आए हैं, और अभी चंद मिनट के अंदर इनका काव्य पाठ होगा, कवियों का रचनाएं सुनाई जाएगी और ये जनता बहुत आनंद होगी, सुख का अनुभव करेगी और पूर्ण रूप से प्रत्येक व्यक्ति माँ भक्त जय महाराज का नारा लगा रहा है। इससे बढ़कर और कोई आनंद की बात नहीं होगी। वाह हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब 5500 वर्ष पहले ये बात कही गई है, बिना संत की कृपा से तो भगवान भी नहीं मिलते, और जब संत की कृपा हो जाती है तो भगवान बन जाते हैं। ये बात 500 वर्ष पहले बाबा कह रहे हैं, तपोभूमि इन संतों के प्रभाव से तो भगवान भी आ जाए तो मामूली भीड़ की बिसाती क्या, हम तो सिर्फ संतों के चरणों के दर्शन करने के लिए आए हैं। इससे ज्यादा यहाँ हमारा आना केवल एक तीर्थ का दर्शन करना मात्र का लक्ष्य है। संता तो आपका मूल जो है, हम सब केवल दर्शन करने